विश्व प्रसिद्ध चार धाम में से सर्वश्रेष्ठ धाम बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलने की सारी तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। भू बैकुंठ बद्रीनाथ धाम के कपाट 15 मई को ब्रह्म मुहूर्त में खोले जाएंगे। रावल की अगुवाई में आदि गुरु शंकराचार्य की गद्दी और गाडू गढ़ा 14 मई को बद्रीनाथ धाम पहुंची, जिसके बाद 15 मई को सुबह 4:30 बजे पूरे विधि विधान से वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ बद्री विशाल के कपाट खोले जाएंगे। साढ़े 3,000 आदमी हमारे साथ भक्तजन होते, किंतु महामारी के कारण बहुत कम लोग हैं। बड़ा शांत सा दिख रहा है। मैं समझता हूँ भगवान के स्त्री कपाट खुलेंगे और पूरे विश्ववासियों की ओर से हम भगवान से निवेदन करेंगे, ये महामारी दूर हो जाएगी और आपकी प्रार्थना भगवान के स्त्री चरणों में स्वीकार होगी। तत्पश्चात सब ठीक होने पर आप लोग बद्रिकाश्रम आएंगे। कपाट खोलने को लेकर के जो धार्मिक मान्यताएं हैं, जो धार्मिक परंपराएं हैं, जो प्रक्रिया है, वो प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है। टिहरी राज दरबार से तेल कलश गाड़ू घड़ा बद्रीनाथ पहुंचने वाला है। टिहरी नरेश से जिस घड़े में भगवान बद्री विशाल की अभिषेक पूजा के लिए तिलों का तेल भरा गया है, वो नरेंद्र नगर से चल करके डिम्बर गांव से जोशीमठ नरसिंह मंदिर, पांडुकेश्वर स्थित योग ध्यान बद्री मंदिर कुबेर मंदिर, और साथ साथ जोशीमठ से आदि जगतगुरु शंकराचार्य की गद्दी, पांडुकेश्वर स्थित योग ध्यान बद्री मंदिर से भगवान बद्री विशाल के उत्सव विग्रह उद्धव जी की डोली, कुबेर जी की डोली, ये सब बद्रीनाथ पहुँचती है। और जैसे ही कपाट खुलने की पूर्व संध्या पे ये सब वहाँ उसके साथ साथ बद्रीनाथ धाम के प्रधान अर्चक रावल जी, भोग व्यवस्था से जुड़े हुए लोग, डिमरी पुजारीगण, बड़वा लोग, आरती से जुड़े हुए, उस धार्मिक परंपराओं से जुड़े हुए मेहता थोक के लोग, भंडारी थोक के लोग, और जितने मंदिर से उस धार्मिक व्यवस्था से जुड़े हुए लोग हैं।